हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीना शर्मा, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फ्रॉम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। लास्ट क्लास में हमने देखा था, इस बुक का फर्स्ट पेज स्टार्ट किया था दिस वन, और बहुत सारे बच्चों ने करने के बाद मुझसे शेयर भी किया, बहुत अच्छा वर्क भी किया। और मैं चाहती हूँ जो बाकी सभी स्टूडेंट जिसने अभी स्टार्ट नहीं किया है वो सब भी इस वर्क को कम्प्लीट करना स्टार्ट करें। आज हम सेकेंड पेज करना स्टार्ट कर रहे हैं, दिस वन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट स्टैम्प एक्टिविटी। इसमें हमें स्टैम्प एक्टिविटी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे बहुत सारे तरह से एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें आज वर्क करना है वो है दैट वन, कट अ स्पंज इनटू द शेप ऑफ ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर एंड कट अ पेपर पीस इनटू डिफरेंट शेप, पेस्ट इट ऑन द टू द स्पंज, डिप योर स्पंज इंटू एक्वेरेलिक कलर, स्टैम्प इट टू क्रिएट अ कूल पैटर्न। मीन्स एक स्पंज पे हमें डिफरेंट शेप्स कट करनी है और उस पर पेपर की शेप्स कट करके पेस्ट करनी है। इसके लिए हमें एक्रेलिक कलर्स चाहिएंगे, दिस काइंड ऑफ एक्रेलिक कलर्स, और हमें इन्हें थिक कलर यूज करने हैं। और ये शेप्स कट किया है मैंने, जैसे ये स्क्वायर शेप किया है स्पंज से कट, ऐसे ही हमें सर्कल ट्राइंगल्स भी कट करने हैं। और इस पे हम ब्रश की हेल्प से कलर लगाएंगे। इसके ऊपर मैंने पेपर से डिफरेंट शेप कट करके पेस्ट किया है, आप करना चाहें डायरेक्ट स्पंज से भी कर सकते हैं और ऊपर पेपर कटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं। इस पे मैंने ब्रश की हेल्प से कलर लगा लिया है और अब हम इस तरह से स्पंज एक्टिविटी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें इस तरह के इमेजेस। ऐसे ही अब हम सर्कल शेप पेस्ट की है मैंने स्क्वायर स्पंज पे, इस पे मैं कलर लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से, और अब हम इसके इम्प्रेशंस देखेंगे। इस तरह के इम्प्रेशंस आ रहे हैं और सेम मैं सर्कल के ऊपर मैंने स्क्वायर शेप कट की हुई है वो पेस्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ। और अब हम इसका इम्प्रेशन ले रहे हैं। इस तरह से आप अलग अलग शेप के साइज के इम्प्रेशंस पे वर्क करेंगे दिस काइंड। अब यहाँ पे सेकेंड वर्क दिया हुआ है, जो हमारे पास फॉयल पेपर के एम्प्टी रोल्स बचते हैं उसका यूज करना है। अभी मेरे पास फॉयल पेपर का रोल नहीं है इसलिए मैंने एक ये रोल रेडी किया है। इससे मैं आपको बताऊंगी इस तरह से हम डिफरेंट शेप्स कैसे रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट सर्कल है और सेकेंड वाले में हम इसको वन साइड से पॉइंटेड कर देंगे तो ये एक लीफ की शेप आ जाएगी। ऐसे ही हम इसको अगर हम फ्लावर की शेप देना चाहेंगे तो इसको हम इस तरह से इसको फोल्ड करके हम इसको डिफरेंट शेप में भी ले जा सकते हैं। मैं इसको कलर में डिप करके और यहाँ पे इम्प्रेशन लाने की ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ फॉयल पेपर रोल। आप फॉयल पेपर रोल से बनाएंगे तो ये अलग अलग पैटर्न्स आप बना पाएंगे। ऐसे ही हम इसको हर्ट शेप, लीफ शेप और ये सारी शेप्स में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है यहाँ पे दिस वन, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करेंगे। यूज फोक फॉर पेंटिंग, मीन्स हम फोक को बैक साइड से कलर में डिप करेंगे और फोक के इम्प्रेशंस लेंगे। ऐसे ही हम लीफ के ऊपर ब्रश की हेल्प से कलर लगाएंगे या लीफ को प्लेट में कलर लेके उस पर डिप करेंगे और उसके इम्प्रेशंस लेंगे। और सेम ऐसे ही लेमन प्रिंटिंग और हाफ एप्पल पीस की पेंटिंग, ये आप हम होम पे ट्राई करेंगे और इसी तरह हम अलग अलग इम्प्रेशंस पे वर्क करेंगे। और ये पेपर पेज कंप्लीट करके आप सभी मुझे शेयर भी करेंगे कि कैसा वर्क हुआ, कैसा काम आप घर पे ट्राई कर पाए। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फोर्थ पेज, थर्ड एक्टिविटी, फार्म एनिमल्स। डू यू नो व्हाट आर फार्म एनिमल्स? ड्रॉ एंड कलर एज मैनी फार्म एनिमल्स यू कैन रिमेम्बर। आपको जो भी फार्म एनिमल्स के बारे में पता है, जो आप ड्रॉ कर सकते हो, जो जो आपको याद है वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। एक फार्म
फार्म हाउस का सीन क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अब स्टार्ट करती हूँ ड्रॉ करना, आप भी हेल्प ले लीजिएगा। आई नो आपके लिए थोड़ा पेज हार्ड है, बट आप किसी की हेल्प ले लीजिए, अपने बड़े भैया या दीदी की, और इस पेज को कंप्लीट कीजिए। यहाँ एक काव की शेप ड्रॉ कर रही हूँ पिक, और आप भी उसी तरह। ड्रॉ करेंगे और इस पेज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ बैक साइड में ये फेंसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं एक शिप ड्रॉ कर रही हूँ। शिप हमें किस क्या हेल्प करती है, इससे हमें वूल मिलती है। ये आपके सिलेबस का कंसेप्ट भी है, उससे रिलेटेड पेज आपके यहाँ पे दिया गया है, तो आप इससे आप फार्म एनिमल्स के बारे में लर्न भी कर पाएंगे और ड्राइंग करके ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसकी यहाँ भी फेंसिंग बना देते हैं। अब यहाँ पे हम इसके सामने एक वे बना देते हैं, इस साइड पॉन्ड की शेप दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हैं, और अगर जो एनिमल्स आपको इजी लगे, जो फार्म एनिमल्स आप बना सको, यहाँ पे हॉर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक डक बना रही हूँ। यहाँ पे कॉर्नर्स पे ग्लासेस बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हम हैंड बना देंगे। यहाँ इसके लेग्स, और ये इसके विंग्स, यहाँ पे चिक्स जो यहाँ पे फूड ईट कर रहे हैं। और भी जो भी एनिमल्स आप बनाना चाहो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। इस तरह से हम ये सीन कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ क्लाउड्स बना देते हैं, एक स्मॉल क्लाउड यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे एक विंड मिल बना सकते हो, जैसे आपने देखा होगा विलेजेस में होती है। ऐसे ही ये पूरा सीन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पूरे को स्केच पेन से या ब्लैक जेल पेन से आउटलाइन देंगे। इस तरह आप देख रहे हैं पूरी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। बट याद रखें, आउटलाइन करने के बाद एक बार इरेजर से पूरा क्लीन ज़रूर कर लें, जो भी एक्स्ट्रा पेंसिल मार्क्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम पहले ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कलर जो आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं,
मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ, इसमें कुछ मेंशन भी नहीं किया है कौन से कलर यूज़ करने हैं, आई एम यूजिंग दैट पेंसिल कलर्स। यहाँ मैंने ग्रीन कलर का वर्क ट्रीज और ग्रासेस में कर दिया है, ऐसे ही अब हम इसकी हार्ट में भी ब्राउन कलर करेंगे। जहाँ जहाँ ब्राउन कलर यूज होना था वो सारा मैंने कलर फिल कर दिया है। और अब हम इसमें देखेंगे पहले पॉन्ड का कलर, जिसमें मैं स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ वाटर के लिए। वाटर के लिए मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे डक है उनके नीचे का पोर्शन थोड़ा सा डार्क शेड दिखा रही हूँ इनकी शेडो के लिए, ऐसे ही थोड़ा कॉर्नर्स पे। डक में लाइट येलो कलर शो कर रही हूँ, ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी भी लाइट ब्राउन, हैंड वाइट होती है तो इसके ये मैं कर रही हूँ, और विंग्स में कहीं कहीं पे ब्राउन से शेडिंग दे रही हूँ थोड़ा सा, और शिप भी वाइट होती है बस इसके यहाँ पे ये ब्राउन कर रही हूँ, इसके लेग्स के सर्कल्स ब्राउन कर रही हूँ। और हॉर्स, हमारा हॉर्स भी लाइट ब्राउन होता है तो हम इसी कलर को थोड़ा लाइट हैंड से यूज़ करेंगे और ब्राउन कलर का हॉर्स रेडी करेंगे। ये हमारे हॉर्स का कलर हो गया। इसमें मैं लाइट ब्राउन फिल कर रही हूँ, और जो साइड का एरिया है ग्रासी एरिया है तो उसको हम लाइट ग्रीन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट ग्रीन और येलो मिक्स करके कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन और बाकी जो एरिया मैंने ब्लैंक छोड़ा है उसमें मैं वहाँ पे येलो फिल कर रही हूँ, दोनों को मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा ग्रासी एरिया बना रही हूँ। हमारी काओ भी वाइट है यहाँ पे, और इसी तरह हमारा ये सीन कंप्लीट हो गया। क्लाउड्स और कर रही हूँ मैं, इसमें स्काई ब्लू कलर से क्लाउड्स फिल कर रही हूँ। इस फेस को कंप्लीट करने के लिए अपने किसी भैया या दीदी की हेल्प ले सकते हैं, और इस फेस को भी कंप्लीट करके मुझे शेयर करेंगे। और ये इस तरह ये पूरा हमारा फार्म एनिमल्स का फेस कंप्लीट हो गया। ओके, इसी को सभी